चुनाव के समय बड़े जोर शोर से लोकतंत्र को सफल बनाने की अपील की जाती है। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन मतदान की खूबियां बताते नहीं थकता, लेकिन जब इन चुनावों की रंजिशों से जनता में दरारें पड़ती है तो कमजोरों की मदद को कोई सामने नहीं आता। भाई जी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। पन्ना जिले के सिमरिया थाना के बड़ी महोड़ में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पर रसूखदारों ने कुशवाहा समाज का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, समाज के मंदिर में भी ताला जड़ दिया है। ऐसे में इंसानों के साथ भगवान को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। कुशवाहा समाज का कसूर केवल इतना है कि इन्होंने दबंगों द्वारा किए गए मतदान के बहिष्कार के बाद अधिकारियों की बात मानकर वोट डाल दी। बस फिर क्या था, गांव में लोकतंत्र के कथित ठेकेदार दबंगों के भीतर बैठा शैतान जाग उठा। आते जाते कुशवाहा समाज के लोगों से गाली गलौज मारपीट शुरू हो गई थी। इतने से मन नहीं भरा तो पूरे समाज का हुक्का पानी बंद कर दिया। हम लोग उनके बड़ी मोहड़ के रहने वाले हैं, कुशवाहा समाज के हैं, और हम लोगों की तो साग सब्जी कुआ है, कुआ के ऊपर हमने मंदिर बनवाया है। तो हम 2023 में करते थे शंकर जी की स्थापना, सो इन लोगों ने नहीं करन दी, और फिर जो वोट चुनाव हो पड़ी, सो वोट चुनाव में कहाँ लगे हम तुम लोगों को वोट नहीं डालना, अपने गांव को रोड नहीं है, जब रोड डल जाएगा तब वोट डालेंगे सबली नगरी के। सो हम का मैडम तहसीलदार ने आई, SDM तहसीलदार में आई, सो सरपंच आए, तो हमारी कछुआरे पहुँचे, कहें तुम लोग कितने हो, हम 40 आदमी हैं, कहा 40 आदमी पोलिंग खाली ना जाए, तुम लोग वोट डाल दो, हम कि जो गांव के मारेंगे अभी मंदिर से मारते हैं और फिर वोट डाल देंगे। कहें कि गांव भर वोट नहीं डालती 600 वोट, वो तुम और 40 वोट क्यों डाल रहे हो। तो मैडम जी बोली और सरपंच जी बोली कि तुमको जब कोई धमकी देगा तो हमसे बताना। तो जब मारने के लाने उतारू होने लगे, हमारी औरतें मूरा पालक धनिया गांव को ले जाती हैं बेचने के लिए, तो ये राजू और महाराज सिंह देवेंद्र गिल्ला ये पीछे पीछे पूरे गांव में डुंडी पीटते हैं कि इनकी धनिया पत्ती ना लेना कोई, इनको सारे इनको बंद किया गया है, कोई ना लेना तुम, तो पूरे गांव में डुंडी पीटते हैं, पछा रहे। हमने शिकायत 3 धारा सिमरिया थाने में की, मैडम के पास, एक मोहंद्रा में की, और 2 धारा पबई में SDM के पास, वो तहसीलदार के पास की हमने, कर और विधायक के पास की। सो विधायक साहब बोले कहाँ लगे हमने फ़ोन लगाया है SP को, तो जो राजपूत बोलते हैं कि SP क्या कर लेगा, वो क्या था वो कर लेगा, वो विधायक वो क्या सरपंच कर लेगा, हम 100 घर के हैं, तुम 4.5 घर के क्या कर लोगे, ऐसे हमको दबाते हैं। हम इनको अपने मंदिर का तारा खुलवाना चाहते हैं, अपनी मूर्ति बिठाना चाहते हैं, 15-16 को तारा खुल जाए, सो मूर्ति हम धर दिए, बाहर प्राण प्रतिष्ठा हमने की है, और इनको साफ दंड दिया जाए। महिला सब्जियां बेचने जाती हैं तो उनका पीछा कर लोगों को खरीदी से रोका जाता है, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। न तो उन्हें गांव के किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है और न ही गांव के अन्य जाति के लोगों को इनके काम करने दिए जाते हैं। इस तरह बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी हुक्का पानी बंद की सजा भुगत रहे हैं। परेशानी ऐसी है कि हमने वोट डाल दिया, सो हमको धमकी देते हैं गांव के, और हमारे घर वालों के मनसिल को दारू पी पी वतंगबाजी करते हैं गाँव के, मारते हैं, और हमने अब जी करें भी ये हमारे घर के, वो हम फिरते हैं बंजी तो हम पीछे पीछे क्यों बेचती है तुम, और सौदा ले जाए रोक टोक करते, और मोहर ये कई गांव के ये सब लिए कई। जिन अधिकारियों ने बहिष्कार के बावजूद इनके घर वोट डलवाने की प्रेरणा दी थी, अब उन सभी ने मुंह फेर लिए हैं। परेशान कुशवाहा समाज के लोगों ने SDM, विधायक, तहसीलदार, TI समेत जिम्मेदारों को कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन कोई मददगार नजर नहीं आ रहा है। परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर SP को ज्ञापन सौंपकर मंदिर का ताला खुलवाने और परेशान करने वालों को दंडित करने की मांग की है। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई की बात कही है। देखिए, ये जो आपने मुझे बताया है मुद्दा, ये आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया था,
और मेरे संज्ञान में आने के बाद मेरे जो SDM हैं और पुलिस के अधिकारी हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि गांव में जाएं और इसकी जांच करें, और दोनों समुदायों के बीच में अगर कोई मान लीजिए मनमुटाव या कोई उनमें झगड़ा है उसका समाधान निकाला जाए। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी आज गाँव में गए हैं, वहाँ पर जो भी दोनों समुदायों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपस में कुछ उनके विवाद थे, उनको समझाइश दी गई है और जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस थे उनको दूर करने के लिए दोनों को समझाइश दी गई और उसका समाधान किया गया है और दोनों समुदाय के लोग राजी हैं। अभी उनमें समझौता हो गया है कि जो भी आपस में उनकी प्रॉब्लम चल रही थी उनको वो हल कर रहे हैं और गाँव में बिल्कुल बढ़िया माहौल है। और इसके साथ साथ मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया, और अभी जो है वो गांव का वातावरण बिल्कुल ठीक है, दोनों समुदाय आपस में मिलजुल के रह रहे हैं और मुझे इसको बताने बड़ी खुशी है। देखिए, रोड की डिमांड का भी मुद्दा सामने आया था, उसको भी हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, अगर जो है वो हमारे योजना में वो शामिल हो जाएगा तो, अगर वो अनकनेक्टेड विलेज है और वहाँ पर रास्ता नहीं है तो उसका भी हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र के महायज्ञ में मतदान करने की ये सजा चिंतित करने वाली है। देश में चुनाव में पिछड़ों एवं कमजोर वर्ग की आवाज खूब उठाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से ही मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार चला रहे हैं, ऐसे में पिछड़ा वर्ग के लोगों पर ये आफत जमीनी हकीकत बयां करती दिख रही है। हुक्का पानी बंद होने की खबर हुक्मरानों तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन अब देखना ये है कि भगवान के मंदिर का ताला कब तक खुलेगा और वोट देने वालों के हितों की रक्षा प्रशासन कैसे करता है। नमस्कार श्रीमान जी, हम लोग ग्राम महोड़ कला से आए हैं, थाना सिमरिया, तहसील पवई। जो अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुआ है, श्रीमान जी हमारी महोड़ कला में वर्तमान विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हुआ था, जिसमें से कुशवाहा समाज के समस्त लोगों ने इसमें भाग लिया और मतदान किया, जिसमें से राजपूत समाज द्वारा कुशवाहा समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है एवं गांव से निकलने में निकलते हैं तो धमकी दे रहे एवं सब धोबी नाव बंद कर दिए गए हैं साहब। और श्रीमान जी, जो वर्तमान में हमने मंदिर बनवाया है उसमें इन लोगों ने ताला डाल दिया है और भगवान की प्रतिमा भी नहीं बैठाने दे रहे, जिसके कारण हमने गेट पर प्रतिमा बैठा दी है और मंदिर में ताला लगा है। और जो लोग कहते हैं कि तुमने मतदान किया है इसलिए हमने ताला डाला है, और कहते हैं कि कर लेगा जो तुम्हारा विधायक करना हो, ती हैं महाराज सिंह राजपूत, देवेंद्र सिंह राजपूत, जितेंद्र से हैं, नेपाल से हैं राजपूत, और जितेंद्र सिंह राजपूत, ये समस्त मान के चलो इन्होंने कुशवाहा समाज और राजपूत समाज का एक जातिवाद वो लगा के रखा है कि ये लोग कुशवाहा समाज के हैं पर राजपूत, तो इसमें समस्त में पूरा ग्रामवासी एकजुट हो चुका है राजपूत समाज के लोग। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।